हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा केक जिसमें ना तो किसी नोज़ल की ज़रूरत है और ना ही किसी और महंगी चीज़ों की। बड़ी ही सस्ती वाली केक की रेसिपी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिसे आप ही मेरी तरह बना सकते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स का जिक्र मैंने हमेशा की तरह स्क्रीन पर शो कर दिया है। और आइए, सबसे पहले हम आज हाफ के जी केक बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने मेजरिंग टूल्स लिया है और एक मेरे पास सॉस पैन है जिसे मैंने देखिए मेज़र कर लिया है, ये ज़ीरो करके रखा हुआ है। और आपके सामने ही मैं अब मेज़र कर रही हूँ। यहाँ मैंने 200 ग्राम के लगभग व्हिपिंग क्रीम ली है। ये रिच कंपनी की सनविप क्रीम है, ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की व्हिपिंग क्रीम है दोस्तों। और आज मैं आपको शो करने वाली हूँ कि क्रीम को कैसे हम बीट करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक हैंड बीटर लिया है और इसे मैं आपको बीट करके दिखा रही हूँ। इससे मुझे 4 से 5 मिनट लगेगा इसे बीट करने में। इसे लो टू हाई स्पीड बीट करना है। सबसे पहले हम एक नंबर पे इसे बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए इस तरह से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इसमें वजन तो नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दुगुना तिगुना हो जाएगा। और इस तरह से हमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी हम अचानक से इसे बीट नहीं करेंगे। और ये देखिए, पहले 2 मिनट तक मैंने 2 नंबर पर बीट किया है, उसके बाद मैंने 3 नंबर पर बीट कर लिया है 1 मिनट के लिए। और इस तरह से ये मेरी क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसे मैं पलट कर दिखा देती हूँ। देखिए इसकी स्टिफ पिक तैयार हो गई है और ये सेट हो चुकी है। तो अब आइए, यहाँ मैंने स्पॉन्ज को कढ़ाई में बेक होने दे दिया है और ये मेरा बेक हो चुका है। लगभग 30 मिनट का समय लगा मुझे इसे बीट करने में, इसे रेडी करने में। तो यहाँ मैंने नाइफ से आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल क्लीन हमारी नाइफ जब निकल जाए तो समझिए हमारी स्पॉन्ज काफ़ी अच्छी रेडी हुई है। और ये देखिए, आपके सामने मैंने डिमोल्ड कर लिया इसे। इसे 1 घंटा लगभग मैंने छोड़ा हुआ था ठंडा होने के लिए। और आपके सामने मैं इसे नाइफ से कट लगा करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल क्रम्स नहीं आएगा और काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारी केक रेडी होती है दोस्तों। तो अगर आपको स्पॉन्ज की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं आपकी हर फरमाइश को पूरी कर सकूं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी तरह का अगर आपके मन में सवाल उठता हो तो मुझसे बेझिझक पूछें, मैं उसका आंसर बहुत जल्दी करूँगी। और यहाँ मैंने क्रीम अप्लाई कर ली। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी फिर से गायब हो गई और मुझे रिकॉर्डिंग करने में फिर से प्रॉब्लम होने लगी। और यहाँ मैंने टॉप वाले लेयर को पलट करके ले लिया है। हमेशा मैं कहती हूँ कि टॉप वाले लेयर को हम होम बेकर्स फेंकते नहीं हैं, हटाते नहीं हैं। एक भी पार्ट हमारा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके वनस्पत हमें इनकम नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ आज जो केक की रेसिपी मैं लेके आई हूँ, ये बहुत ही चिप एंड बेस्ट है, जिसमें आप कम लागत में और कम मुनाफे के साथ ही हम काम करते हैं, पर ये काफ़ी कम समय में मैंने तैयार किया है। और आप भी मेरी तरह होम बेकर बन सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस केक का अगर चाहें तो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो जब आपके पास कम बजट वाली केक का ऑर्डर आए तो आप इस तरह की केक को भी रेडी करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट हमारा जाता है उससे 1.25 गुना ही हमारे पास वापस रिटर्निंग आता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो केक बनाती ही हूँ सिर्फ वीडियो अपलोड करने के मकसद से, तो मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं है दोस्तों कि मैं बिज़नेस के तौर पे इस चीज़ को नहीं लेती हूँ। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए मैं लेके आती हूँ कि मैंने देखा है कोरोना के समय कई लोग बेरोज़गार हो गए, तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम करें। और यहाँ देखिए, ये मैंने प्लास्टिक कॉम से कॉम्बिंग कर ली है अपने केक की। और मेरा सिर्फ इतना मोटिव है इस तरह की वीडियो अपलोड करने का कि हम घर बैठे भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा। हम होम बेकर घर को संभालने के साथ साथ एक अच्छा खासा बिजनेस को भी बढ़ावा देते हैं, और इस तरह से हम बेरोज़गारी को मात देते हुए अपनी गृहस्थी भी चला लेते हैं और एक काम भी हो जाता है। तो है ना दोस्तों मज़ेदार बात।
इसी तरह की केक रेसिपी लेकर के मैं हमेशा आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। और बड़ा ही सीधा साधा सिंपल सोबर डिज़ाइन था आज का, बिना किसी नोज़ल के, बिना किसी झंझट और झमेले के ये मेरा केक आज का बिल्कुल रेडी है। और इसे स्प्रिंकल कर ले रही हूँ मैं, कुछ एडिबल कलरफुल स्प्रिंकल था दोस्तों। तो इस तरह से तिरछा रख लेना है केक वोट को, ध्यान रखिए कि ज़्यादा तिरछा ना करें, नहीं तो ये गिर सकता है। ये बिल्कुल ताज़ी केक है, अभी इसे सेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे तक फ्रिज में तो ज़रूर रखना होगा, नहीं तो इस समय हमें काफ़ी ध्यान रखते हुए इसे तैयार करना है। और कैसी लगी आज की रेसिपी, ये देखिए मेरी केक रेडी है। तो मिल